हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी 2019 के डेली करंट अफेयर्स क्विज। अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS या अन्य जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नैना दुबे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज है 6 जनवरी और देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे में आप मुझे बताइएगा कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण पूरा हुआ है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, सौभाग्य रथ किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए आज के बनते हैं 2 क्वेश्चन और आप इसका आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा। कल के क्वेश्चंस में बता दूं आपको उसके आंसर्स कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है प्रमोद कुमार सिंह। आप सब ने भी प्रमोद कुमार सिंह ही किया था तो ये आंसर्स बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की महिलाओं ने सबरीमाला विरोध के खिलाफ लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए 620 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है। तो ये केरल की महिलाएं हैं, ठीक है। एंड स्टैटिक से मैंने आपसे पूछा था, अबोहर अभ्यारण, बीर ऐश्वरन अभ्यारण, बीर बुनेहरी अभ्यारण, बीर भातशन अभ्यारण, बीर दोसांज अभ्यारण, बीर गुरदयालपुरा अभ्यारण किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है। तो ये पंजाब में है। आप लोगों में से मैक्सिमम के आंसर्स बिल्कुल सही थे। इवन जिन्होंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, किसी ने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए ताकि आपकी जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं वो हमारे रिविज़न हो जाए। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज। देखिए आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे नैना दुबे के नाम से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए अब हम बढ़ रहे हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इंडस फूड 2019 की जो होगी ये उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित की जाएगी। मैंने यह राज्य क्वेश्चन में कहा है तो ये उत्तर प्रदेश हो गई। अगर शहर की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में ये इंडस फूड 2019 आयोजित किया जाएगा 14 और 15 जनवरी को, ठीक है। देखिए ये वाणिज्य विभाग और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद इन दोनों के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन भारत को दुनिया में खाद्य और पेय उत्पादों के एक मजबूत निर्यातक के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये इनका उद्देश्य है। और आप एक चीज़ और याद रख सक रहे हो कि उड़ीसा इस आयोजन में भागीदारी राज्य के रूप में भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप एक्सकैलिबर यंत्र को लॉन्च किया है। देखिए ये इस देश के वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप को लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सकैलिबर यंत्र, ठीक है, जो दूर के न्यूट्रॉन सितारों, ब्लैक होल और अन्य विदेशी आकाश पिंडों से आने वाली एक्सरे का विश्लेषण करता है। तो देखिए ये टेलीस्कोप जो लॉन्च हुआ है और जिसका नाम है एक्सकैलिबर यंत्र, ये अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। ऑप्शन है हमारे ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के 3rd संस्करण की मेज़बानी की है। तो देखिए ये इनके 3rd संस्करण की मेज़बानी की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ये नई दिल्ली। और इनका उद्देश्य है इनके पीछे कि युवा पीढ़ी जो हमारी है, युवा जो पहली पीढ़ी है, उनके उद्यमियों को मान्यता देना है जिन्होंने उद्यमशीलता माहौल का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाते हैं ये नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर पर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये सेक्टर पे सम्मेलन जो आयोजित हुई है ये हुई है बैंगलोर में। ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ये बैंगलोर। देखिए ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये बैंगलोर में आयोजित हुआ है, किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में 4 से 13 जनवरी 2019 तक किया जाएगा। तो देखिए भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव जो 4 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 13 जनवरी तक ये चलेंगी, तो ये की जाएंगी अगेन न्यू दिल्ली में। ऑप्शन हो जा रहे हैं ये, 4 से स्टार्ट हो चुकी है तो ये 10 दिनों का टोटल ये महोत्सव है और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन माउंट विंसन क्या है। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं। तो ये दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा। हमारे ऑप्शन हो जा रहे हैं ए, अरुणिमा सिन्हा। देखिए वो 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला थी और इससे पहले वो माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट
कोसियस्को और माउंट इकानुगुआ, ये पांच जो चोटियां हैं ना उन पे भी वो चढ़ाई कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 4,500 करोड़ रुपए से सड़क राजमार्ग और परिवहन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रेलवे, संस्कृति, पर्यटन और पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लीजिए कि मोदी जी के द्वारा जो 450 करोड़ की योजना से परियोजनाएं शुरू हुई हैं वो है उड़ीसा में। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ए उड़ीसा, और 5 जनवरी मतलब कल मोदी जी ने उड़ीसा में 4,500 करोड़ रुपए की लागत लगाकर इन परियोजनाओं को शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेज़बानी करेगा। मैराथन जैसे कि हमने बताया था, एक बहुत लंबी जो दौड़ होती है उसे हम मैराथन के रूप में जानते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेज़बानी करने वाला है वडोदरा। ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए वडोदरा। ये 6 जनवरी को मतलब आज ये स्टार्ट हुई है। इसमें 4 श्रेणियाँ रखी गई हैं, 42 किलोमीटर की, 21 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की और 5 किलोमीटर की। ठीक है, इसमें ये मैराथन की दौड़ होगी जिसकी मेज़बानी कर रहा है वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और किस ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया है। तो देखिए, हमारी भारत सरकार के द्वारा 3 बैंकों का विलय किया गया है। तो एक है पंजाब ग्रामीण बैंक, दूसरा है मालवा, तीसरा है सतलज ग्रामीण बैंक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम न्यूज़ में ये भी देख रहे थे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किया गया, इसी तरह ग्रामीण बैंकों में पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक का विलय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2018 में राष्ट्रीय महत्व के लिए कितने स्मारक घोषित किए हैं। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के लिए 6 स्मारकों को घोषित कर दिया है। ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे 6, और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 6 स्मारक कौन है। नागपुर और महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय भवन है, आगरा में 2 मुगलकालीन स्मारक है, पहला है आगा खां की हवेली और दूसरा है हाथीकाना। तो ये हमारे 3 हो गए। राजस्थान में निमराना बावड़ी, ये हमारे 4 हो गए। उड़ीसा में रानीपुर झारिल में मंदिरों का समूह, ये 5। एंड उत्तराखंड में कोतली में विष्णु मंदिर, ये है 6 स्मारक जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के लिए स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हत्या का परीक्षण किया है, जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन है हमारे ची, और ये परमाणु हथियार के बाद ये दूसरा सबसे घातक हथियार है। ये बम जो है ना 5 से 6 मीटर लंबा है, लेकिन इसका वजन अमेरिका की जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है उससे कम है, और जिससे अफगानिस्तान में गिराया गया था। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बस ध्यान देना है ये चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ये चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार देश के कितने जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शामिल किया गया है। तो देखिए, हमारे ऑप्शन हो जा रहे हैं ए, देश के सभी 640 जिलों को इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शामिल कर लिया गया है, जिनका उद्देश्य है, हम जान रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है कि कम होते हुए जितने भी बाल लिंग अनुपात है ना उनको संबोधित करना है और बालिका शिक्षा को सक्षम बनाना है, ताकि हमारी देश की लड़कियाँ भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, ऑप्शन है हमारे 640। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 6ठा भारतीय महिला जैविक उत्सव आयोजित किया जाएगा, मतलब इनका 6th एडिशन होगा भारतीय महिला जैविक उत्सव का, और यह आयोजित किया जाएगा चंडीगढ़ में 12 से 14 जनवरी तक। ठीक है, 12 से 14 जनवरी तक यह आयोजित रहेगा, और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इनका उद्देश्य है कि भारत के जितने भी दूर दूर क्षेत्रों में, जितने भी के जैविक क्षेत्र जो हैं उनमें महिला किसानों और उद्यमियों को मनाना और बढ़ावा देना है। ठीक है, उन्हें मानना और बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इनके उद्देश्य है जो चंडीगढ़ में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद ने जिन्हें चुना है, इनका नाम है वाहिंग बाम लमनगामा सिंह। देखिए, इन्होंने क्या किया था ना, इसमें न्यूज़ में आ रही थी कि ये मणिपुर के रहने वाले हैं, और 23 जनवरी 2019 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई को एक तालाब में डूबने से बचाया था, जिसे वीरता के रूप में इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य एशिया
कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के सबसे ऊपर है, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंक में जो सबसे ऊपर राज्य है ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन है हमारे ए। और इसके अंतर्गत आप ये भी ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर है और दिल्ली जो है ये तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता है? तो अगेन ये आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए। बात आ रही है ये पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना, ये है क्या? देखिए ये गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय योजना है, ठीक है, पोलावरम परियोजना, और इसे बेहतरीन योजना कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जल संसाधन परियोजना के सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है, ऑप्शन है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है एस विजय कुमार, ऑप्शन है हमारे बी। देखिए ये वर्तमान में भी द हिंदू के वरिष्ठ उप संपादक भी हैं और इन्हें ही रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 6 जनवरी 2019 के। सो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।